आवास के मालिक शायर इस्लाम मद्दाहे खैरुल कलाम अदद अरशद इमाम कलकत्तवी की आमद हो रही है। इससे पहले कि उनकी आमद हो, एक मरतबा खुदा की किब्रियाई नबी की रिसालत का दिल लगा करके दम भरे और मोहब्बतों के साथ नारा तकबीर रिसालत बुलंद फरमाए। धीरे धीरे इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के नबी के खानदान के अजीम चश्मो चिराग की आमदें इस अजीम शान नूरानी और इरफानी महफिल में होने वाली है, जहां आप किश्तियों की रूहानी गजा महफिल सभा से अपने कुलवे व अजहान ही को नहीं, दिल के नेहा खानों में इश्क रसालत की शमा जो जल रही है, उसमें आप तमामी हजरात अहले बैत की जियारत से उसमें इश्क रसालत और इश्क अहले बैत का रोगन डाल करके मुस्तफीज होंगे। दुनिया सुन्नियत की कई अजीम शान हस्तियां आज इस अजीम शान जल्द तक स्टेज पर जलवा बार सुफियन सुबार होने वाली है। दिल लगा करके एक मरतबा इस्तकबाल कीजिए नारे तकबीर, मोहब्बतों के साथ नारा लगाइए। किसी ने कहा था कि ये फतह तस्मतों की किरदार के ढंग होते हैं, जंग के फैसले तलवार से कम होते हैं, सिर्फ तादाद से मौकूफ नहीं फंदे वो भी, करबला वाले हो तो बहत्तर भी गजब होते हैं। मोहब्बत के साथ इस बात का एहसास दिलाइए और बता दीजिए कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए लहजे को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। दिल लगा करके एक एक शख्स अल्लाह के नबी के खानदान के अजीम जश्नो चिराग की महफिल में बैठे हुए हैं। मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल कीजिए और अपने हाथों को उठाइए नारे नेटवर्क को ठीक ठाक कीजिए, वॉल्यूम को थोड़ा और बढ़ाइए ताकि पता चल जाए किसी नंबर को दिखाने के लिए नहीं, अपने रब को मनाने के लिए अपने हाथ को उठाइए नारे तकबीर, नारे निसार, फैजाने मखदूम अशरफ, फातिहे हुजूर सूफिए मिल्लत, खानदाने हुजूर सूफिए मिल्लत, नारे सुनकर मुकद्दर जान जाते हैं। शहजादे हुजूर ताजुल इस्लाम हजरत मौलाना सैयद आरिफ अशरफ साहब क़िबला अशरफ जीलानी, हजरत शादाब अशरफ शफीउल जीलानी, हजरत मौलाना नूरुल ऐन अशरफ, हजरत खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मंजर साहब क़िबला महाराष्ट्र मुंबई, दीगर उलमा अहले सुन्नत, पेश नज़र सामईन अहले सुन्नत, पर्दा नशीन ख़वातीन अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी मोहब्बतों के साथ सलाम मोहब्बत हमने पेश किया है, आप हजरात बड़ी आयस्तगी से जवाब फराहम कर रहे हैं। मैं फिर से सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम।
नाते पाक पढ़ने से कभी मोहब्बतों के साथ झूम कर बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी पर मोहब्बतों का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीब बना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक मरतबा और बावाज़े बुलंद पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सल्लातो सलाम अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक का मतलब मुलाजा एक मरतबा और उसे पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नात पाक का मतलब हाजिर करता हूँ, मुलाजा करें आप मोहब्बतों के साथ। जमीताश हर जरिए में नूरे मुस्तफा आई है, और ये दो मिसरे मनकबत के मैं पेश करता हूं। मुलाहजा कीजिए एक मरतबा इमाम हुसैन के मोहब्बत में मोहब्बतों के साथ पुकार लीजिए, या हुसैन। हुसैनी इस अंदाज में नहीं बोलता है, मोहब्बतों के साथ हुसैनी अंदाज पैदा कीजिए और अपने हुसैनी होने का सबूत दीजिए। मोहब्बतों के साथ पूरा मजमा यहां से वहां तक कह दे या हुसैन, और बाबा से बुलंद कह दीजिए या हुसैन। खुदा जाने रसूल अल्लाह
मेरी बिगड़ी के मेरी बिगड़ी बना दीजिए हजारों की बनाई है मेरी बिगड़ी बना نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حضور دستگیر اشرف صاحب تبنا شہزاد حضور صوفی ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فاتح ششماہی حضور صوفی ملت خاندان حضور صوفی ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بڑھ جائے पहले दो तीन शेर मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, उसके बाद मनकबते पाक पढ़ूंगा इंशाल्लाह। मुलाजा करें आप, बिलखसूस ये औलादे रसूल बैठे हैं, ये शहजादा इनके हवाले से मैं एक मतला पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह मतला सुनने के बाद आप जरूर बेदार हो जाएंगे। मैं मतला पढ़ू, उससे पहले आप रात मोहब्बतों के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना शफीना हबीबना नबीना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम अलैके या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाते पाक का मतला पढ़ दिया जाए जी, क्या ख्याल है? आप हजरात तैयार हैं? तो दीवानी का सबूत दीजिए, एक मतलब कह दीजिए सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, पूरा मतलब जितने लोग बैठे हैं सारे के सारे बोले सुभान अल्लाह। कि ये दीवाने क्यों, ये दीवाने क्यों, ये दीवाने क्यों झूमते हैं पता आप। अगर वाकई आपको मतला अच्छा लग जाए तो सुभानअल्लाह इस नियत से बोलिए कि मेरी हौसला अफजाई हो जाए, और इंशाल्लाह अगर मेरा मूड बन गया तो इंशाल्लाह आप लोगों का ही मूड बना दूंगा। आप मुलाहजा कीजिए, लेकिन थोड़ी सी बेदारी के साथ आप मुलाहजा करें ताकि मुझे पता चले कि आप हजरात बिल्कुल मुकम्मल तरीके से बेदार हैं। मैं मतला फिर से पढ़ता हूँ, मुलाहजा करें मोहब्बतों के साथ। कि ये दीवाने क्यों झूमते हैं पता है। ये मैं देखता हूँ कि ये लोग माशाल्लाह इधर वाला मतलब मेरा बड़ा अच्छा है, लेकिन ये लोग बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं। अभी आप खामोश रहिए, मैं देखता हूँ ये लोग कब तक खामोश रहते हैं। मुलाजा करें कि ये दीवाने क्यों झूमते हैं पता। थोड़ी सी और बेदारी, के दीवाने क्यों झूमते हैं पता है। अच्छा इधर वाले बोले, इधर वाले के ये दीवाने क्यों झूमते हैं पता है। पूरा मतलब बोल दे तो इंशाल्लाह मजे को भी मजा आ जाए। के ये दीवाने क्यों, ये दीवाने क्यों झूमते हैं पता है। अरे चला इनसे इश्क के नबी का नशा है। ये दीवाने क्यों, ये दीवाने क्यों झूमते हैं पता है। चला इनपे इश्क के नबी का नशा दीवाने क्यों
झूमते हैं पता जो मेरे